सैवियो को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ और वो KWC भी काफ़ी सालों से करे, 15 साल हो गए उनके। तो जब उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मैं सपोर्ट करूँ उसको इस एंडेवर में, तो मैंने ऑफकोर्स रैली अग्री किया, क्योंकि इट्स ऑल्सो अबाउट परफॉर्मिंग, इट्स अबाउट सिंगिंग, इट्स अबाउट म्यूज़िक और एंड इट्स अबाउट फाइंडिंग न्यू टैलेंट। तो हर बार मैंने ऐसा ही किया है, जहाँ पर मुझे नए टैलेंट को और नए सिंगर्स को और नए लोगों को एक नए लेवल पर ले आने की, जहाँ पर मैं मदद कर सकता हूँ, तो हमेशा उस एफर्ट में मैं जुड़ जाता हूँ। तो सैवियो के साथ मैं पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ और मैं जूरी पर रह चुका हूँ और इस बार भी जूरी पर रहूँगा मैं। तो इट्स अ गुड वे टू फाइंड न्यू सिंगर्स और उनको एक नया कॉन्फिडेंस मिल जाता है। इट्स ऑल्सो फॉर ब्रिंगिंग आउट, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, इट्स फॉर एमेच्योर्स। और हर बार हम काफ़ी समय हम देखते हैं कि ऐसे एमेच्योर प्लेटफॉर्म से हमको प्रोफेशनल्स मिल जाते हैं, तो बस उसी की खोज रहती है। और हर साल की तरह इंडिया से एक मेल सिंगर एक फीमेल सिंगर जाते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल स्टेज पर एट द कराओके वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स। तो ये उसका नया सीज़न का अनाउंसमेंट है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सैवियो का कि उन्होंने मुझे इसमें फिर से इंक्लूड किया है और आई एम रियली हैप्पी टू बी ऑफ सपोर्ट टू दिस। ओके, जैसे कि आपने कहा कि आप ज्यूरी से जुड़े हुए, तो कितना मुश्किल होता है जज करना, क्योंकि सारे टैलेंट बहुत अच्छे होते हैं, ज्यूरी के लिए कितना मुश्किल हो जाता है? मुश्किल होता है और नहीं भी होता है, क्योंकि अभी मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी समय से रहा हूँ और मैंने काफ़ी सिंगर्स को देखा है, सुना है, काफ़ी टैलेंट शोज़ यू नो वगैरह पर जूरी रह चुका हूँ। और हर साल एक नई पीढ़ी आती है या नए लोग आते हैं जो पहले अपनी ज़िंदगी में पहले उन्होंने कभी कुछ किया नहीं है, तो मैं उस पैशन को देखता हूँ और वो उस पैशन को किस तरीके से वो निभाते हैं स्टेज पर आकर। और अच्छी बात तो ये है कि KWC में कोई उसी उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, तो यू कैन बी 16 ईयर्स ओल्ड, यू कैन बी 60 ईयर्स ओल्ड, आप स्टेज पर आकर आपका फेवरेट गाना खुले दिल से गा सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो बात यही बात मैं देखता हूँ कि आप कितने पैशन से कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, आपको गाना आए ना आए, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट सिंगिंग, इट्स अबाउट परफॉर्मिंग। तो परफॉर्मेंस को मैं देखता हूँ और मोर ऑफन देन नॉट परफॉर्मेंस अच्छे मिल जाते हैं। और क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से, देखने वालों से? मैं तो कहूँगा कि जब भी ये कराओके वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के जो वेन्यूज़ अनाउंस किए जाएंगे, जहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया जाएगा, मैं चाहता हूँ अगर आप पार्टिसिपेट करने ना आए, तो जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने ज़रूर आइएगा, और अगर इस साल नहीं तो अगले साल ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ अबाउट ब्रिंगिंग आउट द हिडन टैलेंट विद इन यू ऑन एन एमेचर लेवल विच कैन बी डेवलप्ड इनटू अ प्रोफेशनल लेवल। एंड आज की तारीख में हमारे भारत देश में एमेचर लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक की नई टैलेंट को हमें सख्त ज़रूरत है। तो प्लीज़ पेट्रनाइज कीजिएगा, ज़रूर आइएगा KWC के सेमीफाइनल्स पर, फाइनल्स पर, और पार्टिसिपेट करने ज़रूर आइएगा। अब मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में इस साल एक फिल्म आ रही है मेरी, मैं तनुजा चंद्रा जी की नई फिल्म कर रहा हूँ, इरफान खान साथ में है, और पार्वती टीके जो मलयालम फिल्म्स की काफ़ी बड़ी हीरोइन है, उनके साथ मैं फिल्म में नज़र आऊँगा। इट्स अ फिल्म कॉल्ड करीब करीब सिंगल, एक रोमांटिक ड्रामा है, अच्छी फिल्म है। और एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ मैं जिसका नाम है स्मोक, जो गोवा में पूरी शूट की गई है, एंड मेरे साथ कल्की है, जिम सार्व हैं, टॉम वॉल्टर हैं, गुलशन देवैया हैं, नील भोपालम हैं, काफ़ी अच्छी कास्ट है, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कास्ट। तो एक वो वेब सीरीज़ आएगी और एक नई वेब सीरीज़ अगले हफ्ते या अगले महीने में एक्चुअली मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तो वो भी होगा। तो थैंकफुली अच्छे एक्टिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेरे तरफ और मैं आप लोगों को और अच्छी तरह से एंटरटेन कर पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।